Okay, student, now we are going to discuss about the achievement of the early nationalist. Achievement का मतलब होता है क्या उन्होंने मतलब बदलाव लाए थे, क्या वो पाया था उन्होंने. Okay, थोड़ा सा देख लेते हैं उनके weaknesses के बारे में. Okay, तो first one के ज्यादातर वो success early assertive nationalist को urban area और educated people के साथ उनको ज्यादा success मिला. वो मास को रीच करना चाहते थे, लेकिन उसमें से पीजेंट और वर्कर्स थे वहां तक वो नहीं पहुंच पाए. ओके, उसका आप ब्रॉड मीनिंग देखने जाओगे, रीजन देखने जाओगे तो आपको पता है तिलक है वो केसरी और मराठा में बहुत सारी चीजें लिखते थे. ओके, तो एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि मे बी पॉसिबल वर्कर और पीजेंट एजुकेटेड ना हो, उनको पढ़ना लिखना ना आता हो, तो शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो न्यूज़पेपर तक नहीं पहुंच पाए, वो नेशनल वाइड नेशन वाइज जो मतलब स्ट्रगल चल रहा है उसके बारे में उसको पता ना हो, ये चीजें हो सकती है. ओके, तो ये वाला पॉइंट आप मतलब इस तरह से देख सकते हो कि क्यों वो मास तक नहीं पहुंच पाए. तो यहाँ पे पीजेंट और वर्कर का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, तो हम इस तरह से उनको मतलब कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ ये भी हो सकता है कि उनका पूरा दिन हार्डशिप वाला होता है, तो शायद उनको वो मतलब वो परवाह नहीं करते होंगे कि भाई क्या चल रहा है, वो अपना काम करते अपना गुजारा चलाते, ये भी हो सकता है. ओके, तो एक चीज था कि मतलब वो मास तक मतलब नहीं पहुंच पाए. और आपको पता हो तो ये मतलब जो हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था ज्यादातर वो सिटीज में ही मतलब लोग ज्यादा अवेयर थे, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे. ओके, तो उसका इफेक्ट सिटीज में अर्बन एरिया में ज्यादा इसीलिए आया था. ओके, नेक्स्ट इज मास को इकट्ठा करने में शायद वो नाकाम रहे. एक और रीजन हम अगर हम देखना चाहें तो ये हो सकता है कि जैसे अभी इंडियन अभी हमारी जो कांग्रेस है या हमारी अभी बीजेपी है पार्टीज है. ओके, तो राइट नाउ दे आर इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. तो उस टाइम पे ये एसर्टिव नेशनलिस्ट शायद सब जगह पे मौजूद नहीं थे, सब जगह पे वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास उतने मेंबर्स भी नहीं होंगे कि वो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ. और दूसरा आप लैंग्वेज डिफरेंस भी देख सकते हो कि सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, एक दूसरे को समझना ये वो, तो बहुत सारी मतलब ड्रॉबैक्स हो सकते हैं कि क्यों हम मासिस तक एसर्टिव नेशनलिस्ट क्यों नहीं पहुंच पाए. ओके, और दूसरा उन्होंने एक रीजन बताया है कि लैक ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने आपको बताया ये एग्जांपल कांग्रेस एंड बीजेपी का नेशनल वाइड है ये हमारी पार्टी, तो शायद एसर्टिव नेशनलिस्ट नेशनल वाइड मतलब अपने मेंबर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, रख नहीं पाए, ये भी एक उनका हो सकता है. लेकिन इतने सारा देखो अर्ली नेशनलिस्ट का भी हमने क्रिटिसिज्म किया था, यहाँ पे एसर्टिव नेशनलिस्ट का भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हम कर रहे हैं. ओके, लेकिन उनको हम क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन उनके अचीवमेंट को हम भूल नहीं सकते. ओके, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए थे, तो के भाई एसर्टिव नेशनलिस्ट वेर मार्वेलस एंड सेक्रीफाइस वेर नोबल. मार्वेलस और सेक्रीफाइस, यहाँ पे भगत सिंह का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, खुदीराम बोस का ले सकते हो, चंद्रशेखर आजाद का ले सकते हो. आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये आपके पैराग्राफ में आ रहा है. ओके, तो मतलब वो मतलब शहीद हो गए थे देश के लिए. ओके, तो ये सेक्रीफाइस हम भूल नहीं सकते, फर्स्ट वाला. ओके, दूसरा लोगों की आत्मा को जगाने का काम उन्होंने किया था, खुद को पहचानने का काम उन्होंने किया था. ओके, सेल्फ रिलायबल बनने का काम, सेल्फ एफर्ट लगाने का काम, सेल्फ को खुद को पहचानने का, ये जो मतलब एक फीलिंग्स होता है वो एसर्टिव नेशनलिस्ट ने लोगों में जगाया था. ठीक है, तो ये हम इसको मतलब वी कांट फॉरगेट दीज थिंग्स. ठीक है, दूसरा एसर्टिव नेशनलिस्ट को पता था कि भाई मास को अगर हम कवर कर पाएंगे देन ओनली अवर स्ट्रगल विल बी फ्रूटफुल. तो मतलब ये उनको पता था एंड देवर उनको मतलब विश्वास भी था कि जितना हमारा मास कवर होगा ना उतना ये हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा. ओके, दूसरी बातें अगर हम देखने जाए तो ब्रिटिश का जो एलिमिनेशन सिस्टम था उसको मतलब हिला के रख दिया था. बहुत सारी मेथड हमने देखी, जैसे कि बॉयकॉट वाली स्वदेशी, ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो इससे आप समझ सकते हो कि भाई स्वदेशी अगर आप अपनाओगे तो क्या होगा, तो कि भाई ब्रिटिश का जो माल सामान आ रहा है तो आप उसका यूज नहीं कर रहे हो. इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट तो फाइनेंशियली ब्रिटिश है वो वीक हो जाएंगे. ये वाला पॉइंट इस तरह से हम दे सकते हैं. ओके, नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लाइड बाय द ब्रिटिश. ब्रिटिश ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हैं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो. ओके, तो
ये भी मतलब ब्रिटिश सत्ते जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको मतलब शेक कर देगा, हिला के रख देगा। तो इस तरह से एसेप्टिव नेशनलिस्ट के बहुत सारे काम है जो मतलब हमको समझ में आते हैं और पता चलता है कि भाई उन्होंने मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें की है जिससे कि ब्रिटिशर को मतलब तकलीफ हो। ओके, उनके एक्शंस लोगों में जो मतलब एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को एरोस करना, फीलिंग्स को बढ़ाना, नेशनलिज्म फीलिंग्स को बनाना। ओके, ये हमारा दूसरा फेज चल रहा है। पहला फेज अर्ली नेशनलिस्ट का, ये सेकेंड फेज एसर्टिव नेशनलिस्ट। ओके, आगे थर्ड पॉइंट आएगा, थर्ड फेज आएगा। तो मतलब धीरे धीरे जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भी हम भी जब फ्रीडम मूवमेंट का स्टार्टिंग किया था तो वी वर लाइक ए बेबी, एक छोटा सा बच्चा जैसा था। धीरे 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 करके हम सब चीजें सीखते गए। देखो, वीकनेसेस कोई भी प्लानिंग में आएगा, वीकनेसेस आप कुछ भी करोगे उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगी, लेकिन वो नेगेटिविटी आप दोबारा रिपीट नहीं करने वाले। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। मतलब हर बार जब आप एक कोई चीज करने में आप असफल रह जाते हो, ओके, व्हेन यू लूज समथिंग, आप जब जीतते नहीं हो, तो जब व्हेन यू आर नॉट विनिंग, तो जब आप अपने आप को देखोगे पीछे कि भाई क्यों नहीं जीत पाए, क्या वीकनेसेस रह गई, तो वो वीकनेसेस आप दोबारा रिपीट नहीं करने वाले। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने जो किया था वो एसर्टिव ने नहीं किया। अभी एसर्टिव जो कर रहे हैं, शायद आगे आप देखोगे तो हमारे थर्ड फेज में जो होने वाला है, शायद वहां पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हमारा जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उन्होंने किस तरह से पीक किया। ओके, एंड इट टुक ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि आप आगे देखोगे तो बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस भी होंगे। ब्रिटिश अपना रोल प्ले करेगी, हमको सप्रेस करने की कोशिश करेगी। ओके, हमारी मेथड्स को दबाने की कोशिश करेंगी, हमारे लीडर्स को मतलब जेल भेजा जाएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। ओके, और आगे हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई केसरी और मराठा में तिलक ने, हम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं, अभी मैंने पॉइंट नहीं लिखा है तो रब करके वापिस वो नया वीडियो बनाना, उससे अच्छा है मैं आपको थोड़ा सा इसमें से आपको समझा दूं। तो अचीवमेंट की बात करते हैं तो तिलक ने केसरी और मराठा में बहुत सारी मतलब ऐसी स्पीच दी थी जिससे स्पिरिट जाग जाए, ठीक है, लोगों का जो आत्मा है वो जाग जाए कि भाई हमको देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। ओके, और बहुत सारे रिवोल्यूशन किए गए थे, एजिटेशन किए गए थे, लेकिन ब्लडी नहीं थे, मतलब खून खराबा नहीं हुआ था, लेकिन जो एक्टिविटीज थी, आइडियाज थी, वो मतलब एग्रेसिव थी, वायोलेंट थी। ओके, और रिवोल्यूशनरी मतलब हमको इस तरह से रेडी करना चाहते थे कि भाई आपको अगर अपनी जान देनी पड़े, इफ यू हैव टू सेक्रीफाइस, आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है, आप खुद मर सकते हो, आपकी हड्डियां टूट सकती है, लेकिन मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए आपको ये सब करना ही होगा। ये लोगों को अवेयर किया जाता था, ये सब बातें स्पीचेस में, राइटिंग में, न्यूज़पेपर में, इस तरह से लोगों को मतलब कॉन्शियसनेस फीलिंग एरोस किया जाता था। ओके, फिर हम बहुत सारे हमारे यूथ जो रिवोल्यूशनरीज थे उसके अगर हम नाम देखें तो भगत सिंह है, खुदीराम बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, ओके, वीर सावरकर है, बहुत सारे है जिन्होंने मतलब ब्रिटिश ऑफिसर के सामने मतलब बिना डरे उनका सामना किया था। ओके, तो ये चीजें मतलब एसेप्टिव नेशनलिस्ट की ये अचीवमेंट की बात हो रही है। ओके, बहुत आपने भगत सिंह के बारे में भी देखा था। ओके, उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, फिर ये चंद्रशेखर आजाद ने मतलब जब वो लड़ाई कर रहे थे अलाहाबाद में, ओके, तो पुलिस ने जब उनके ऊपर अटैक किया था तो लास्ट जब उनके पास बुलेट बची थी तो उन्होंने खुद को मार ली। वो ये कहते थे कि ब्रिटिश की बुलेट मेरे बॉडी को टच नहीं करनी चाहिए, मैं खुद अपने आप को मार देता हूं। तो इस तरह का सेक्रीफाइस, इस तरह का जो वैल्यूज इनकल्केट की जाती थी, ओके, तो ये चीजें हमारे अचीवमेंट में आ जाएगी। देखो, वीकनेस अर्ली नेशनलिस्ट में भी थी, वीकनेसेस यहाँ पे भी है। ओके, लेकिन आप डिफरेंस समझ सकते हो किस तरह से हम अपग्रेड हो रहे थे, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीटली अचीवमेंट के बारे में, हमने सब कुछ समझ लिया है। आप रीड कर लोगे तो शायद आपको ज्यादा अभी कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ओके, और दूसरी बात, आपको अर्ली नेशनलिस्ट और एसर्टिव नेशनलिस्ट के कंपैरिजन की बात है तो आप एक एक पॉइंट देखोगे तो मतलब आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि भाई ओके, सर ने ये सब कुछ मतलब हमको समझा दिया है, तो इसमें आपको सिर्फ रीड ही करना पड़ेगा और कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपकी। ओके, और अगर कोई आप वो जब टेबल रीड कर रहे हो, यहाँ पे ये टेबल दिया गया है, ठीक है, तो ये टेबल में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एनी टाइम,
ठीक है, बहुत सारी चीजें रिपीट होगी, इसलिए मैं बार बार नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको फिर मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सर एक ही बात मतलब रिपीट हो रही है। तो इसलिए मतलब ये हमने कंपेरिजन जब बात कर रहे थे तब भी हमने किया है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।